ये बालक तालाब के अंदर कमल पुष्प पर लेटा है और इसके मुख पर तो सूर्य का भी तेज है। मुझे तो ये कोई साधारण बालक नहीं लगता, इसमें जरूर कोई रहस्य छुपा है। मुझे गुरुजी के पास चलकर इस रहस्य के बारे में जानना चाहिए। सुंदर बालक है। स्वामी 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 देखो कितना सुंदर बालक कमल पुष्प पर लेटा हुआ किलोल कर रहा है। ना जाने इतना सुंदर बालक कौन छोड़ गया। अरे कोई है? अरे ये बच्चा किसका है? अरे कोई है तो इस बच्चे को ले जाओ, लगता है यहाँ कोई नहीं है। स्वामी ऐसी कौन सी निर्दयी माँ है जो इस सुंदर बालक को यहाँ छोड़कर चली गई। स्वामी अगर आप अनुमति दें तो इस बालक को घर ले चलें। नीमा ये बालक सामान्य बालक नहीं है, तुमने देखा कैसे ये बालक हमें कमल के फूल पर तैरता हुआ मिला है। हाँ स्वामी, लगता है ईश्वर ने इसे हमारे लिए ही भेजा है, इसे लेकर घर चलते हैं। तुम ठीक कहती हो नीमा, हमारे पास भी तो कोई संतान नहीं है, लगता है ऊपर वाले ने इसे हमारे लिए ही भेजा है। चलो इसे लेकर चलते हैं। ओय अब हमें अवगत से चल आए जी, हम अवगत से चल आए। नयम जन में गर्भ बसेरा, बालक हो दिखला। अब हमें अवगत से चल आए जी, हम अवगत से चल आए। वेद मरम ना पाए, अवगत से चल आए जी, हम अवगत से चल आए।
सी शहर जल में डेरा वहाँ जुलाए को पाए ओ, ओ, ओ कासी शहर जल में डेरा वहाँ जुलाए को पाए हते विदे हैं देह दरियाए हते विदे देह दरियाए कहाँ या कबीर कहाँ अब हम अवगत से चल आए हम अवगत से चल आए जुगन जुगन के बिछड़े हंसा रामानंद चिताए जुगन जुगन के बिछड़े हंसा रामानंद चिताए पिछले जन्म हम काल किया था पिछले जन्म हम काल किया था तब निरुग्रह आए अब हम अवगत से चल आए जे हम अवगत से चल आए मात पिता मेरे कोई ना है ना मेरे कोई दासी ओ, ओ, ओ मात पिता मेरे कोई ना है ना मेरे कोई दासी जुलाहे का सुत आन कहाया जुलाहे का सुत आन कहाया जग में करया आई हाँ सिरे अब अवगत से चल आए जी हम अवगत से चल आए गगन धरन कुछ मेरे नाही ना दिसत अगम अपारा ओ, ओ, ओ गगन धरन कुछ
मेरे नाही नदीशत यगम अपारा सब दिश्वरूपी नाम साहेब का अब दिश्वरूपी नाम साहेब का सोनिज नाम हमारा रे अब हम अवगत से चल आए जी हम अवगत से चल आए बर्म भेद ना पाए अब हम अवगत से चल आए जी हम अवगत से चल आए ना मेरे हाड़ सामना लहू सत नाम है उपासी ओ, ओ, ओ ना मेरे हाड़ सामना लहू हम सत नाम है उपासी वो तारण तारण अब पद दाता तारण तारण अब पद दाता कहे कबीर अविनाशी अब अवगत से चल आए जी हम अवगत से चल आए नहीं आम जन में गर्भ बसेरा बालक हो दिखलाए जी हम अवगत से चल आए जी हम अवगत से चल आए कहो वत्स बहुत घबराए हुए लग रहे हो हे गुरुवर मैं लहर तारा तालाब के समीप समाधि में लीन था अचानक बिजली की कड़कड़ाहट गगनमंडल से लहर तारा तालाब के ऊपर पड़ी और देखते ही देखते कमल पुष्प पर एक बालक उत्पन्न हुआ गुरुवर ये सब क्या रहस्य है मैं इसे जान नहीं सका वत्स लगता है अवश्य ही कोई अवतार पैदा हुआ है ईश्वर की लीला अपरंपार है हे गुरुवर उस बालक के मुख पर सूर्य की भांति इतना तेज था मेरे तो दोनों नेत्र ही बंद हो गए वत्स हम अभी तालाब पर चलकर देखते हैं चलो गुरुवर घोर आश्चर्य वो बच्चा इसी तालाब में था ना जाने कहां गया अरे भाई सुनो जरा कुछ देर पहले इस तालाब पे मैंने एक बच्चे को देखा था हे गुरुदेव मैंने भी उस बच्चे को देखा था नीरू जलाया और उसकी पत्नी उस बच्चे को अपने साथ ले गए उन्होंने बहुत देर तक आवाज लगाई कि किसका बच्चा है किसका बच्चा है जब कोई नहीं आया तो उस बच्चे को वो अपने साथ ले गए ईश्वर की लीला को ईश्वर ही जाने आओ अष्टानंद हम आश्रम चले बच्चे को जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया है ओ
अरे मियाँ नीरू, हमारी बात तो सुनो। इस बालक की जाति धर्म के बारे में तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं? काजी जी, मुझे ये बच्चा कमल पुष्प पर किलोल करता हुआ लहर तारा तालाब पर मिला है। अरे मियाँ नीरू, हमारी कुरान शरीफ के मुताबिक इसका नाम कबीर निकला है। पंडित जी, आपका क्या विचार है? आप भी देखकर बताइए। भाई नीरू, नक्षत्रों के हिसाब से इसका नाम क पर ही निकलता है। और हाँ, इस बालक का नाम इस कलयुग में चारों दिशाओं में होगा। ये बालक साधारण बालक नहीं है। इस तरह समय व्यतीत होता गया। अब बालक कबीर 4-5 वर्ष के हो गए। बालक कबीर आंखें बंद करके अकेले बैठे रहते, उनके हाथ स्वयं ही जुड़ जाते और घंटों इसी मुद्रा में लीन रहते। पता नहीं मेरे कबीर को क्या हो गया है, चुपचाप सारा सारा दिन बैठा रहता है, न ठीक से खाता है न सोता है। इसे कहीं किसी की नजर तो नहीं लग गई, या इस पर किसी भूत प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कबीर के पिताजी भी यहाँ नहीं हैं, क्या करूं? लगता है किसी पड़ोसी से इस विषय में बात करनी पड़ेगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। भैया जी, देखना मेरे बेटे कबीर को पता नहीं क्या हो गया है, बस चुपचाप बैठा रहता है। चलो बहना, चलकर देखते हैं। हाँ चलो। बहन, इसे किसी तांत्रिक या फकीर को दिखाओ, मुझे तो इस पर किसी भूत प्रेत का साया नजर आता है। जिस तरह से ये बैठा है, ऐसे तो कोई रोगी ही बैठ सकता है, कोई बच्चा नहीं। पड़ोसी की बात सुनकर नीमा घबराकर अपने पति नीरू को तांत्रिक और फकीरों के पास भेजती है, लेकिन सभी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तेरा पुत्र महापुरुष बनेगा, तू चिंता मत कर। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, Thank you.
तरह मुझसे क्यों टकराई? मैं तो अंधी हूँ पुत्र, दिखाई देता तो क्यों टकराती मैं तुमसे? ये कैसा चमत्कार हो गया, मुझे तो सब कुछ दिखाई देने लग गया, मुझे तो सब कुछ दिख रहा है। मैं तो 12 वर्ष से अंधी थी, इस बालक से टकराने के बाद मेरी आंखों में रोशनी आ गई। जरूर ये बालक कोई चमत्कारी बालक है। क्या बात है माता जी, आप तो मुझसे टकराए थे, कोई चोट लगी है तो मुझे क्षमा कीजिए, मैं जानबूझकर आपसे नहीं टकराया। वर्षों से मैं अंधी थी, ऐ दिव्य बालक भी टकराना मेरा तुझसे, मेरी बदल गया तकदीर, मेरी बदल गया तकदीर। वर्षों से मैं तो बरसों से अंधी थी, मैं इस दिव्य बालक कबीर से टकराई तो बिल्कुल ठीक हो गई। ये दिव्य बालक कबीर बिल्कुल भगवान रूप है। भगत कबीर की जय हो, भगत कबीर की जय हो, भगत कबीर की जय हो। इस चमत्कार को देखकर सभी लोग बालक कबीर के प्रति श्रद्धा रखने लगे और कोई भी उसे अपशब्द नहीं कहता। कई लोग बालक कबीर को अपने घर ले जाते और उसकी सेवा करते। बीमार बच्चों का बालक कबीर के आगे माथा टिकवाते और बीमार बच्चे ठीक हो जाते। माता नीमा व पिता नीरू इस बात से अनजान थे, वे कबीर को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते। अरे मियाँ नीरू, हम मुसलमान हैं, इस्लाम की रस्म के तहत कबीर की सुन्नत करा दो, इसी बहाने चार भाई तेरे घर आएंगे, उन्हें दावत करा देना, आखिर अब तुम्हारा लगते जिगर जवान होने लगा है। आप ठीक कह रहे हो, मैं आज ही कबीर की माँ से बात करके सुन्नत की तैयारी करवाता हूँ। अरे कबीर जल्दी इधर आओ, सुन्नत का समय बीता जा रहा है। हे काजी, मूल रूप से तू अंधेरे में जा रहा है, यह कभी ख्याल किया है कि हिंदू अथवा मुसलमान पहले कहां से आए? अर्थात हजरत मोहम्मद साहिब तो 6 सदी में हुए, ईसा जी 1 सदी में, इस प्रकार शेष धर्म बने, परंतु मनुष्य तो 10 लाख वर्ष से अस्तित्व में चला आ रहा है, किसने पहले मत चलाया, कौन नरक में और कौन स्वर्ग में जाता था? हे काजी, अगर परमात्मा चाहता कि मैं मुसलमान होता तो जन्म से ही सुन्नत हो जाती। आप मानते हैं कि सुन्नत करने से मुसलमान बनता है? अरे काजी जी, औरत तो अर्धांगनी है, अर्थात जीवन का आधा हिस्सा है, अगर आधे को मुसलमान बनना है और आधे को हिंदू रहना है तो क्यों ना हिंदू ही रहा जाए। मैंने तो राम का आश्रय लिया है, मेरा भजन ही कल्याण का साधन है। छोटा सा बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, मेरा प्रमाण न मानकर
ये मेरा अपमान कर रहा है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। नीरू, लगता है तेरे कबीर को किसी ब्राह्मण ने बिगाड़ दिया है। अवश्य ही किसी ने इसे हिंदू बनाने की शिक्षा दी है। मैंने सुना है यह हिंदू साधुओं में भी बैठता है। सुन कबीर, सुन्नत तो तुझे करवानी ही पड़ेगी और इस्लाम कबूल करना होगा, करना होगा। अरे काजी साहब, जबरदस्ती पकड़कर इसकी सुन्नत कर दो। सब बच्चे रोते कुलाते ही तो सुन्नत कराते हैं, बच्चों की ओर नहीं देखते। फिक्र मत करो, तुम अपना काम करो। चलो अपने घर चलते हैं। अरे किसी नए काजी को बुलवाओ। चलो चलो घर चलते हैं। चलो चलो चलो। इस प्रकार सभी जुलाहे और काजी बालक कबीर की प्रभु भक्ति को नहीं समझ पाए और सभी अपने अपने घर चले गए।